देहरादून के गांव में अचानक हुए भूस्खलन से हड़कंप मच गया। भूस्खलन होता देख बिना देरी किए घरों से बाहर लोग आ गए। कुछ ही देर में देखते ही देखते घर जमीन दोज हो गए। लोग घरों से निकलकर इधर उधर भागने लगे। घरों के गिर जाने से उनमें रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों को पास के गाँव के एक स्कूल में शिफ्ट करा दिया गया। गाँव में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। बता दें कि पिछले दिनों से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी से गिर रहे पत्थर और मलबे के साथ गांव के भीतर सड़कों और मकानों में दरारें दिखाई दे रही थी। इस प्रकार की स्थिति से ग्रामीण भयभीत हो रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अचानक से बड़ी विपदा आ जाएगी। बुधवार की दोपहर अचानक से बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ तो ग्रामीण अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। इस बीच कई स्थानों पर हुए भूदशाओं से कई लोगों की घरें और मकानें भी गिर गई। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सूचना पाकर प्रशासन और कई विभागों की टीम मौके पर पहुंच गई। आसपास के ग्रामीण भी भारी संख्या में पहुंचने लगे, जिससे लांगा पष्टा मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाँव के सभी 35 परिवारों के साथ 300 लोगों को ग्राम पष्टा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। आपको बता दें कि भूस्खलन और भूदशाओं की स्थिति से जल विद्युत निगम की 82 परियोजना से बिजली सप्लाई के लिए बनाई गई हाई टेंशन लाइन को खतरा पैदा हो गया। हाई टेंशन लाइन के एक टावर के गिरने की आशंका को देखते हुए परियोजना में बिजली के उत्पादन को बंद कर दिया गया है। जल विद्युत निगम के जनसंपर्क अधिकारी विमल डबराल ने बताया कि जिस स्थान पर भूस्खलन हुआ है उसी पहाड़ी पर टावर लगा हुआ था, जिसके नीचे से मिट्टी खिसक गई। उन्होंने बताया कि टावर को ठीक करके जल्द ही उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों और अपर जिला अधिकारी सहित सभी लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक देर रात तक मौके पर ही डटे रहे। प्रशासन स्तर से सभी प्रकार की तैयारियां की गई। एनडीआरएफ, पुलिस, राजस्व प्रशासन की टीम, वन विभाग आदि के सहयोग से ग्रामीणों को उनके सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।